हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फुटेज। सो फ्रेंड्स, आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा फिंगरप्रिंट फंक्शन, और ये आप अपने मोबाइल में कहीं ना कहीं ये ऑप्शन देखे होंगे। लेकिन ये ऑप्शन क्या होता है, इसको हम पूरे डिटेल्स में आज हम आपको बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए इसको हम यहाँ से फिंगरप्रिंट जो फंक्शन है इसको यहाँ से हम टच कर लेते हैं। और टच करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, और ये सारे ऑप्शन क्या है मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन टैग फोटो वीडियो कैप्चर, तो ये जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, अगर आप इसे यहाँ से चालू कर देते हैं, याद रहे फ्रेंड्स, इसमें से जितना भी ऑप्शन है इसमें से केवल एक ही चालू होता है, और ये सारे ऑप्शन क्या है मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है टैग फोटो वीडियो, तो फ्रेंड्स आप अपने जो मोबाइल में जो फिंगरप्रिंट, जो बैक साइड आपका जो रियर साइड फिंगरप्रिंट है, आप रियर साइड से आप फोटो ले सकते हो, वीडियो को वीडियो शूटिंग कर सकते हो। तो चलिए हम आपको ले कर दिखाते हैं। तो जो ये टैग फोटो वीडियो है, यहाँ से इसे हम इनेबल कर देते हैं, और इनेबल करने के बाद चलिए फ्रेंड्स हम आपको जब होम स्क्रीन पर आते हैं, और जब यहाँ से हम इसे कैमरा को ओपन करते हैं, और कैमरा को ओपन करने के बाद जैसे हम बैक पैनल पे जब फिंगरप्रिंट को टच करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए ये फोटो टच हो गया। इस तरह से हम जब पीछे का स्क्रीन में जब मारेंगे, जितनी बार हम स्क्रीन को टच करेंगे उतनी बार ये फोटो ले लेगा फ्रेंड्स। तो देख लिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको आगे में प्रेस नहीं करना पड़ेगा। जो ये कैमरा वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको टच नहीं करना पड़ेगा, आपका जो फिंगरप्रिंट ऑप्शन है जहाँ आप वहाँ पर टच करेंगे और आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, तो चलिए आपको नेक्स्ट फीचर बताते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, स्क्रीन कैप्चर। इसी तरह से फ्रेंड्स, जब आप इसे यहाँ से स्क्रीन जब इसे आप अलाउ कर देंगे, आपको कुछ चूज करना पड़ेगा, आप ज़्यादा मतलब कैमरा यूज करते हैं या ज़्यादा स्क्रीन शॉट यूज करते हैं। अगर आपको स्क्रीन शॉट लेने का ज़्यादा मतलब शौक़ है, तो आप इसको यहाँ से ऑफ करके यहाँ से स्क्रीन कैप्चर को जब इसे अलाउ कर देंगे, उसके बाद जितनी बार बैक पैनल पर आप टच करेंगे स्क्रीन को, जितनी बार आप अपने फिंगर को टच करेंगे उतनी बार आपका स्क्रीन देखिए यहाँ पे टच हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आपका स्क्रीन शॉट आपके बैक पैनल से आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये आपके और ये जो फिंगरप्रिंट है, यहाँ पे कोई भी फिंगर मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो लॉक लगा वही, कोई भी आदमी जब यहाँ पे फिंगरप्रिंट किसी भी उंगली से टच करेगा तो ये स्क्रीन शॉट आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको ये भी ऑप्शन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जो अगला एक ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, रिटर्न टू होम। जब आप इसे यहाँ से अलाउ कर देंगे फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप कहीं भी रहेंगे और बैक पैनल पे जब फिंगरप्रिंट को जहाँ पे टच है वहाँ पे टच करेंगे, तो ये होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने यहाँ पे आया और जैसे ही फिंगरप्रिंट पीछे मैंने टच किया, तो ये होम स्क्रीन पे आ गए फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो ये रिटर्न टू होम है फ्रेंड्स। इसके बाद जो यहाँ पे आपको आपको एक नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा है, रिटर्न बैक। अगर आप इसे यहाँ से अलाउ कर देंगे, तो आप जितनी बार यहाँ से पीछे बैक करेंगे तो आपका जो है एक बार बैक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये जो है एक बार बैक हो गया। इस तरह से आप जितनी बार इसे टच पीछे फिंगर लगाएंगे उतनी बार ये रिटर्न बैक हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है क्लिक ऑन द फिंगरप्रिंट सेंसर टू परफॉर्म बैक बटन ऑपरेशन। तो जितनी बार आप पीछे फिंगर लगाएंगे उतनी बार ये बैक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको चूज करना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको ऑप्शन ज़्यादा बेटर पसंद आया, और कौन सा सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। आप फिंगरप्रिंट से फ़ोटो वीडियो लेना चाहते हैं, या फिर स्क्रीन कैप्चर लेना चाहते हैं, या स्क्रीन होम पे आना चाहते हैं, या फिर आप केवल बैक आना चाहते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, मैंने तो यहाँ पर स्क्रीन कैप्चर ऑन करके रखा है। इस तरह से आपको क्या पसंद आया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप कौन सा रखना चाहेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें एक बात और बता दें, जैसे आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट जो लगा हुआ है वो फिंगरप्रिंट भी काम करता रहेगा। जैसे आपके मोबाइल में लॉक हो जाएगा, तो वो फिंगरप्रिंट वो जो सेंसर है, वो जिस आदमी ने अपना स्कैन किया उसी के मोबाइल से ये लॉक आपका मोबाइल ओपन होगा। लेकिन स्क्रीन शॉट फोटो वीडियो और ये रिटर्न होम किसी के भी फिंगर से ये काम करेगा। तो सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैंने बताया आपको, जो रिकॉर्डिंग किया, ये माइक्रोमैक्स के मोबाइल से मैंने आपको बता रहा हूँ। तो ये फिंगरप्रिंट का फंक्शन ये कैसे आता है मैं चलिए आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ से सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में जाऊँगा, और सेटिंग में जाने के बाद इसके नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा, ये इंटेलिजेंस असिस्टेंट। तो इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट आ गया। इस तरह से अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट FINGER फिंगरप्रिंट फंक्शन, देखिए यहाँ पे ऊपर में आ गया। तो इस तरह से आप अपना इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, और जाके अपने मोबाइल के सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।